कासगंज में बीते 14 अक्टूबर को हुई दो समुदाय के लोगों में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नूर मोहम्मद, कबीर व समीर शामिल हैं। सर, कस्बा सोरो में क्या घटना घटित हुई है? सर देखिए, आज थाना सोरो क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के यहाँ दो अलग समुदाय के व्यक्ति जो है उनके बीच में जो मारपीट की घटना हुई थी उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमने मुकदमा लिखवाया और लगातार दबिश डालना शुरू किया। हमने 3 लोगों को मतलब अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल कस्बे में कोई इश्यू नहीं है, समस्या नहीं है। जनपद कासगंज में कस्बा सोरो में हुई दो समुदाय के लोगों में मारपीट के बाद शहर में काफी तनाव देखने को मिला। एक समुदाय के लोगों ने पूरे बाजार को बंद करा दिया था। उनकी मांग थी कि आरोपियों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक बाजार बंद रहेगा। SDM सहित पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद बाजार बंद रहा। देर रात में सोरो पुलिस ने एक नामजद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें नूर मोहम्मद पुत्र कल्लू, सादाब पुत्र कबीर, सहीम उर्फ समीर पुत्र इजाज भंडारी। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जेल भेजा जाएगा या उन्हें न्यायाधीश कोर्ट से ही जमानत दे देंगे, यह देखने वाला समय बताएगा। वहीं सोरो वासियों को आरोपियों की गिरफ्तारी से संतुष्टि है और सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान खोल ली है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर जगह पर पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित पंडित के साथ मैं अतुल यादव, ANB न्यूज कासगंज।